हेलो फूडीज़, तो आज हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं वन वेरी टेस्टी एंड इजी पनीर की डिश, पनीर लबाबदार। पनीर लबाबदार हमारे घर में जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं उसी से बन जाती है और इसके स्टेप्स भी काफ़ी इजी है और आप भी इसे आसानी से बना सकते हो। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर एक पैन में 8 से 10 काजू और टमेटो को बॉयल होने के लिए रख दिया है। एक तरफ हमारे केश्यू और टोमेटोज बॉईल हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम हमारी ग्रेवी के लिए ऑनियन को रेडी कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया हुआ है। करीबन 1 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया हुआ है और 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना बटर लिया हुआ है। दोनों चीज़ों को हम मेल्ट होने देते हैं और उसके बाद हम ऐड करते हैं छोटी इलायची के 2 टुकड़े और बड़ी इलायची के 2 पीस और तमालपत्रा द बे लीफ ऐड करते हैं। इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए कुक होने देते हैं और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अनियंस। यहाँ पे मैंने अनियन को एक छोटा सा अनियन मैंने काट लिया है और बाकी के अनियंस को मैंने मिक्सी में चला लिया है। ये लबाबदार है ना, तो उसमें थोड़े कटे हुए अनियंस की ग्रेवी अच्छी लगती है, तो मैंने इसे थोड़े से काटे और थोड़ी से मिक्सी में क्रश किए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कुक होने देते हैं, हमें जब तक हमारे अनियन का कलर चेंज ना हो जाए ना तब तक कुक करना है। थोड़ी सी हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे और इसके साथ ऐड करते हैं थोड़ा सा नमक। ये नमक यहाँ पे मैंने अनियन को कुक करने के लिए थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, लास्ट में हम टेस्ट करके एडजस्ट कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए कुक होने देते हैं। हमारे अनियन अच्छे से कुक हो जाएंगे ना तो थोड़ा थोड़ा बटर और ऑयल वो रिलीज़ करने लगेंगे। वैसे तो हमने यहाँ पे बहुत कम यूज़ किया है लेकिन फिर भी इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये कुक होते होते कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये देखिए, हमारे अनियन थोड़ा थोड़ा पानी बटर सब रिलीज़ करने लगे हैं। इसे आप ऐसे ही चलाते रहे, अगर नहीं चलाना है तो गैस की फ्लेम को लो हीट पे रख दें। अब हम इस अनियन को कुक होने देते हैं और एक तरफ जो हमारे टमेटोज और केसियो जो बॉयल हो चुके हैं उसको हम एक मिक्सी जार में निकाल लेते हैं। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा हम इसे मिक्सी में क्रश कर लेंगे, लेकिन इसे ठंडा होने के बाद ही क्रश करें। अब हम हमारा जो पनीर है उसके पीसेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरीके के पीसेस करने हैं। ये देखिए, इस तरीके के पीसेस हमें कर देने हैं। हम सारा पनीर इस तरीके से पीसेस में कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी को गर्म होने के लिए रखा है, उसमें मैं हमने जो पनीर के पीसेस किए हैं वो ऐड कर देती हूँ। उसमें क्या है कि जो हमारा पनीर जो सख्त होता है ना वो नरम हो जाएगा और उसको वो हमारी ग्रेवी में ऐड करने से हमारी सब्जी का टेस्ट और भी बढ़िया आता है। अब एक तरफ ये अनियन भी पक चुके हैं, मैंने वो टोमेटो का भी पेस्ट बना लिया है तो इसे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे हमने टोमेटो को ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है तो हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर मिक्स होने के बाद थोड़ी देर हम पकने देंगे। यानी कि हम इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना कोरिएंडर एंड क्यूमिन पाउडर ऐड किया हुआ है। अगर आपके पास अलग अलग है तो आप अलग अलग ऐड करो। थोड़ा सा ट्यूमेरिक पाउडर एंड थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने स्पाइसी वाला चिली पाउडर यूज़ नहीं किया है, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कश्मीरी ही यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम 1/2 टेबलस्पून जितना ग्राम फ्लो ऐड करेंगे, बेसन ऐड करेंगे। ये ना हमारी ग्रेवी को गाढ़ा बनाएगा और इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी इससे बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इसे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है
और हम अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एक साथ सारा पानी ऐड मत कीजिए, हमें कंसिस्टेंसी इसकी जिस तरीके से रखनी है उस हिसाब से हमें पानी ऐड करना है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। आप देख रहे हो कि ग्रेवी का कलर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी। मेरे पास कस्तूरी मेथी का पाउडर है तो मैं पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास जो रेडीमेड अवेलेबल होती है वो है तो आप हाथों से थोड़ा सा मैश करके ऐड करें। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना क्रीम। ये जो हमारे यहाँ फ्रेश क्रीम निकलता है ना मिल्क में से, वही मलाई है। इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर हमारे बॉईल किए हुए पनीर के पीसीज ऐड करेंगे। देखिए ये कितना सॉफ्ट है। अब सारे पीसीज हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने ये पनीर बॉईल करने के लिए जो पानी यूज़ किया था ना, वही पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है तो मैंने वही थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। और ये देखिए हमारा पनीर लबाबदार बन के रेडी है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा हनी। मैंने हनी यूज़ किया हुआ है। अगर आपको शुगर हनी नहीं है और शुगर ऐड करना है तो आप शुगर ऐड कर लो। मुझे हनी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा हनी यूज़ किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी आई हुई है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ही थोड़ा सा हम क्रीम इसके ऊपर डालेंगे। और ये हमारा पनीर लबाबदार रेडी है। इसको मैंने आज लच्छा पराठा के साथ सर्व किया है। आप इसे रोटी या सिंपल पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो आप भी हमारी ये सिंपल रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपकी ये डिश कैसी बनी है वो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। और साथ साथ ये भी पोस्ट करें कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखनी है। इफ़ यू लाइक द रेसिपी देन डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।